वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर मत तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं कि इसे हम काट दे रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जिन तीन लोगों को आप देख रहे हैं, ये तीनों लोगों ने पूर्व सांसद और पूर्व एमएलए को पब्लिक प्लेस में गोलियों से भून दिया है आतिफ अहमद को। कमाल की बात यह है कि तीनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए थे, मतलब ये कि कोई चौथा भी इसके अंदर शामिल था। इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, सभी 17 पुलिसकर्मियों की भी जांच होनी चाहिए। मामला बहुत गंभीर है क्योंकि यहां कानून की धज्जियां उड़ाई गई है और कोई भी शख्स देश और कानून से बड़ा नहीं है। इन भिखमंगों को देखकर लगता है कि क्या यह कभी तुर्की का स्पेलिंग भी बता सकते हैं। इन भिखारियों ने 5 लाख की बंदूक से हमला किया है। जी हां, यह हत्या कराने वाला कोई और है, ये पिल्ले तो बस कुर्बानी का चेहरा है। तुर्की में बनने वाली इस पिस्तौल में एक साथ 15 गोलियां लोड होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पिस्तौल को आधिकारिक तौर पर मलेशियाई सेना, अजरबैजान शास्त्र बल और फिलीपींस राष्ट्रपति पुलिस और यूएस कोस्ट गार्ड इस्तेमाल करते हैं इस बंदूक को। और गोली चलाने वाले इन भिखारियों के घर की तस्वीरें देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर। बताया यही भी जा रहा है कि जिस पिस्तौल से हमला किया गया उसकी कीमत पहले 5 लाख थी, अभी 7 लाख हो गई है और इसे इंडिया में बैन भी कर दिया गया। जो शख्स झोपड़ी में रहता है उसके पास 7 लाख की पिस्तौल कहां पर से आ गई? और इंडिया के अंदर जो चीजें बैन हो गई है वो इंडिया के अंदर आ कैसे रही है बाहरी मुल्कों से? और अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप जिसे देख रहे हैं ये है लवलेश तिवारी। इसकी तस्वीरें आप देखेंगे अगर इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर तो बड़े बड़े बीजेपी लीडरों के साथ ये दिखेगा आपको। और अमेठी में स्मृति ईरानी के भाषण को भी सुनते हुए तस्वीरें इसके देखा जा सकता है। अब अतीक अहमद की भी हिस्ट्री बता देता हूँ आप लोगों को। अतीक अहमद 5 बार एमएलए, 1 बार सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं 1989, 1991, 1993, 1996, 2002 में लगातार एमएलए चुने गए। साल 2004 में फुलपुर सीट से भी एमपी चुने गए। उनके साथ शहीद हुए अशरफ भी 1 बार एमएलए रह चुके हैं। 6 बार संवैधानिक पद पर रहे शख्स को पुलिस व कैमरे के सामने जेएसआर के नारों के साथ भुना गया। तो हम यह डिमांड करते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, शायद 2024 में बना देंगे या 29 में, नहीं मालूम, या प्रोजेक्ट कर देंगे। ये जबान है, एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या, बताइए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दूसरा, में डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाए, मोटो सुप्रीम कोर्ट ले। हम प्लीट करते सुप्रीम कोर्ट से, ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा तो 4 दिन 5 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा। और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें लोग होंगे। कहां से इनको हथियार आया, किसने कहा उनको वहां पर जाओ, किसने उनको इस तरह की बातें कही, ये सब चीजें निकलनी चाहिए, टाइम बाउंड। और दूसरी चीज, संविधान में आर्टिकल 311 है और आर्टिकल 311 के तहत उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को निकालना चाहिए नौकरी से। कुछ अनभक्तों ने जब मीडिया वालों के ऊपर अतीक अहमद के कत्ल का इल्जाम लगा दिया तो मीडिया वालों ने किस तरीके से जवाब दिया ये देखते हैं। गुंडा कौन है? पत्रकार। पत्रकार गुंडा है? तो आपका गोली क्या मारा? बोली पत्रकार मारा। क्या मारा बताइए आप? अरे आप लोग पत्रकार वाला माइक थमा के उसको भेज दिया, गोली मरवाया आप लोग। गलत ही कही तो तर्कहीन हो गया। अच्छा आपका हम भेज दिया? अच्छा, आपको कैसे पता कि हम भेज दिया उसको गोली मार दिया? आप लोग से आपके सरकार से संभल रहा है कुछ जी? क्या पुलिस कस्टडी में किसी का हत्या हो जाता है आप लोग तमाशा कर रहे हैं? हत्या हो गया तो गिरफ्तार हुआ ना जी? अरे क्या बात कर रहे हैं? गिरफ्तार हुआ ना, उसका जांच चल रहा है, जांच होगा उसके बाद जो डिसीजन आएगा, डिसीजन होगा, डिसीजन होगा। हाँ जांच हो रहा है उसका। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति पुलिस कस्टडी में रहेगा उसको गोली मार देगा और आप कहेगा जांच हो रहा है? शर्म नहीं लगता है जी? क्या शर्म है? सब भेज दीजिए जी। अब ये जो सारे रिपोर्टर्स को आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया के रिपोर्टर्स हैं। सोशल मीडिया पर के घुने मीडिया का एक भी रिपोर्टर ऐसा नहीं है जो ऐसे अनभक्तों के साथ इस तरीके से सवाल करे। अरे भाजपा का रहता है आप लोग जी? अरे उत्तर प्रदेश में भाजपा है। वही पुलिस रहते बाद में उसका परिवार पर जो हमला किया वो अतीक अहमद से। क्या हमला किया? बहुत मैंने गोली के बदला गोली से। काहे ना गोली के बदला गोली? आप कानून बनाइएगा। काहे ना अपना कानून बनाएगा खुद अपने सरकार। कानून कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? संविधान में कोर्ट बनाएगा, कचहरी बनाएगा। कानून बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे भारत की पूरे विश्व में सबसे लंबा कानून है। यहाँ कोई बनाने और खत्म करने की बात नहीं है। यहाँ तो गोली की बात गोली से कभी नहीं होती थी। क्या गोली की बात गोली से नहीं होती? नहीं, अजमल कसाब, एक मिनट, अजमल कसाब को गोली नहीं मारा गया, फांसी की सजा उसको कोर्ट सुनाया। आप इंतजार करते, अतीक अहमद की तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, गोली मरवाने की क्या जरूरत है जी? भाजपा का
सजा भी कहाँ सुनाया, अभी तो जांच ही चला, उसको रिमांड पर लिया गया था। इससे पहले जो राजू पाल की जो हत्या है उसमें तो उसकी सजा सुनाई गई ना जी, सजा सुनाई गई तो जांच चल रही है ना अभी, जो गोली मारा उसके ऊपर पकड़ा, वो गिरफ्तार हुआ, अब उसका जांच। सुनिए सुनिए, आप भाजपा के लोग से सुन लीजिए, आप लोग से जो है उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, आप लोग जीरो टॉलरेंस पर बात करते हैं लेकिन आप लोग उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, जंगल राज बना दिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अब अंधभक्तों से संभल नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश का सीएम खुद लड़ाई झगड़े की बात करते रहता है हमेशा। उत्तर प्रदेश के सीएम को तो पहली फुर्सत में रिजाइन कर देना चाहिए।